देश भर में धूमधाम के साथ छठ पर्व का त्यौहार मनाया गया। राजधानी दिल्ली में भी छठ व्रतियों में एक अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। दिल्ली के अलग अलग छठ घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह का देखने को मिला, जब सभी छठ व्रतियों ने खुलकर अपनी आस्था को प्रकट करते हुए पूरे विधि विधान के साथ इस पर्व का जश्न मनाया और सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा अर्चना की। दिल्ली के कई इलाकों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया। सभी व्रतियों ने इस दिन के महत्व पर जिक्र करते हुए अपनी आस्था प्रकट की। आप कोरोना काल से 4 साल 2.5 साल से कोई ऐसा उत्सव नहीं मनाया जा रहा, जो ये पहला ऐसा है छठ पूजा जो आप वजीरपुर जय जय कॉलोनी में मनाया जा रहा है। बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं और बहुत अच्छे दिलचस्पी से लोग मना भी रहे हैं। ये चार दिन का त्यौहार होता है और कल तक लास्ट रहेगा और बड़े खुशी मन से लोग त्यौहार को मना रहे हैं। मैसेज अच्छा देना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट पर, यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरह से वादा किया है वो काम कुछ नहीं किया। आप नहीं मानो 4 दिन से लगे हैं, पूरी तैयारी किए हैं, हमारी गवर्नमेंट यहाँ की कोई काम नहीं की है। आज बहुत अच्छी बात है, 2 साल के बाद कोरोना खत्म हुआ तो हंसी उल्लास से मना रहे हैं छठ पर्व। बहुत खुशी की बात है, ऐसा हर एक साल बीते जिस तरह से इस साल बीत रहा है, अच्छी बात है। आगे अच्छा, हमारा गवर्नमेंट की सेटिंग वेटिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सफाई में थोड़ा ध्यान नहीं है। गुड न्यूज देंगे और क्या। मैं आज सब अपने बिहार वासियों को और समस्त पूरे देश को छठ की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। सूर्य आस्था का ये पर्व ईश्वर कृपा से इसी तरीके से मनता रहे। हमने देखा पिछले 2 सालों में कोरोना में हमने अपना बहुत कुछ खोया और आज फिर छठी मैया की कृपा हुई, हम लोग इतना बड़ी भारी मात्रा में भारी संख्या में ये त्यौहार को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं आप सभी से और छठी मैया से यही प्रार्थना करूंगी कि ऐसे ही मेरे देश पर और मेरे समस्त विश्व पर माता की कृपा बनी रहे, हम लोग मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते रहें। 2 सालों में जो हम लोगों ने खोया कोरोना महामारी में, हम लोग ये कोई भी उत्सव नहीं मना पाए, यहाँ तक कि छठ घाट सारे सूने रहे और फिर से 2 सालों के बाद छठ घाट फिर से शोभामान हुए हैं और छठी मैया की कृपा हुई है। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ऐसी कृपा हमेशा ही लोगों पर बनी रहे, हम लोग इसी तरीके से उत्सव को मनाते रहें।